घर में जिद करी मैंने, मैंने गाड़ी दिलाओ गाड़ी दिलाओ। बीच में नेपाल गई थी, मैंने नेपाल गए हो? नेपाल गई थी, उसी 17 इंच अलॉय में गई थी जब इसने निकाला था 21 का एवरेज। सिस्टम मस्त जाता है, छोटे छोटे बच्चे नाचने लगते हैं। 3 सिलेंडर वाली कर दी इसमें, 4 सिलेंडर है। नई वाली चलाई है स्विफ्ट आपने? बाकी एक चीज कहूंगा, फील उसमें आता है नई वाली में। ऐसा क्यों? हेलो दोस्तों, भाई आज लेके आपके लिए सामने देख लो, हमारे साथ खड़ी हुई है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। लेकिन ये है भाई जो अपनी अब नई वाली स्विफ्ट आ चुकी है, उससे पहले वाली जनरेशन। तो इस गाड़ी का प्रॉपर मैं आज एक ओनरशिप रिव्यू करूंगा, जिसमें इसके ओनर हमारे साथ बने, उनसे बात करेंगे कौन सा वेरिएंट है, कब उन्होंने लिया और कितने में उनको पड़ी है, और थोड़ी सी बात करेंगे अपनी नई वाली स्विफ्ट की भी, क्योंकि ये गाड़ी हाल ही में ली गई थी और उनको पता था भाई कि नई वाली स्विफ्ट आने वाली है, फिर भी उन्होंने ये वाली गाड़ी ली है, तो भाई बात करनी बनती है। दूसरी बात है कि इस गाड़ी में डले हुए एलॉयज और इस गाड़ी में लगा हुआ है बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक सिस्टम, वो तो आपको सुनना जरूर बनता है। इंस्टाग्राम पे एक अलग सी रील डालूंगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे आपको आईडी मेंशन दिख रही होगी, जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वीडियो को पहले पूरी देख के जाओ और वीडियो को लाइक अगर पसंद है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब ज्यादा देर नहीं करते भाई, सीधे इनके और के पास चलते हैं। तो क्या हाल है अनुराग भाई? बढ़िया भैया, सब मौज में? एक नंबर मौज तो ऊपर रहती है हमारी। हाय हाय, क्या बात है। तो अनुराग भाई मुझे ये बता दो, गाड़ी का वेरिएंट कौन सा, कब डिलीवरी ली थी और कितने में पड़ी थी? भैया गाड़ी मेरी VXi है। हाँ। बेस से ऊपर वाला मॉडल, बीच वाला। और गाड़ी को मिनिमम हो गए 1 साल 1 महीने करीब, 2 महीने करीब हो गए। अच्छा, 1 साल 1 महीने 2 महीने? 2 महीने। आपने पहले एक शूट करा था। हाँ। वो जब गाड़ी ली थी मैंने, उसके 3 महीने बाद करा था आपने। तब कितने किलोमीटर चली थी? जब ऐसी चली थी 4-5 हजार। और अब कितनी चल चुकी है? 18-19 चल चुकी है। हाँ, तो भाई ये एक मैं इसलिए भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना पता लगे कि रियल माइलेज गाड़ी का क्या है या गाड़ी है कैसी चलने वाले में, क्योंकि जब गाड़ी अच्छी खासी चल जाती है तब जाके ओनर को समझ में आता है और तभी ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है। तो अनुराग भाई ये बताओ कितने में पड़ी थी आपको VXi? ये 741 में पड़ी थी। अब जब आपने ये ली थी जी, तब पता लग गया था कि नई वाली स्विफ्ट आने वाली है? पता था, मगर उसमें टाइम था आने में अभी 4-5 महीने का, और मुझे गाड़ी चाहिए थी अर्जेंट। मैंने उस वीडियो में बनाया था क्योंकि कॉलेज वॉलेज जाने के लिए थोड़ा था सिस्टम बाइक वाइक से, फिर अच्छा यही जैसे धूप पड़ रही है इस टाइम। हाँ। वही सिस्टम उसी टाइम था, फिर उस टाइम बर्थडे भी था मेरा। तो घर में जिद करी मैंने, गाड़ी दिलाओ। हाँ। तो वही चीज, तो जिद पूरी हो गई? पूरी हो गई, हो जाती है जिद पूरी? जिद सारी पूरी हो जाती है। तो हर इंसान को जिद करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या बात है भाई, लेकिन अपनी पे भी जिद करनी चाहिए, मम्मी पापा पे तो करते ही है। हाँ। ठीक है भाई, रेड कलर ही क्यों यार? भैया रेड मुझे हटके लेना था, यूनिक लेना था, व्हाइट सबके पास है। उस टाइम ब्लैक भी आ गई थी, मगर 2-3 महीने की वेटिंग चल रही थी उस टाइम, इसलिए मैंने ब्लैक भी कैंसिल करी। मैंने कहा रेड किसी के पास नहीं है, अपने ग्रुप में रेड उठाते हैं, क्योंकि ब्लैक ऐसा था ना, बहुत लोग बाग ब्लैक कराते थे स्विफ्ट को लेने के बाद, और कंपनी ने लॉन्च कर दिया था। ब्लैक PPF सोच रहा हूँ मैं भी, रैप कराऊंगा बिल्कुल। अच्छा, ब्लैक PPF कराऊंगा। ओके, वैसे अगर ब्लैक ही ले लेते फिर? ब्लैक अब मजा हर चीज का लेंगे ना, फिर उस पर रेड कराते तो वो मजा नहीं आता। अच्छा, ब्लैक कराएंगे तो ये कलर भी अपना सेफ रहेगा, अपना ब्लैक के ही मुझे ले लेंगे। यार अनुराग भाई, अब नई वाली स्विफ्ट आ चुकी है, ठीक है, और आपके एक फ्रेंड ने ली भी है जी, तो रिग्रेट तो नहीं हो रहा यार नई वाली ले लेता रुक जाता? ऐसा कुछ नहीं आया मेरे दिमाग में कि मतलब मुझे मतलब नई वाली लेनी चाहिए थी, ऐसे भी नहीं। ये आपको पता ही है, मैं अपना नॉर्मल जैसे आसपास के लिए लेके जाता हूँ, लॉन्ग रूट के लिए मेरे पास दूसरी गाड़ी है निसान किक्स। अच्छा, मैं उससे लॉन्ग रूट जैसे मैं उससे ही कवर करता हूँ, बाकी ये लोकल के लिए है। तो ऐसा कोई नहीं कि मैं नई लू पुरानी, नई वाली लू पुरानी वाली लू। नहीं, मुझे अब ये बताओ नई वाली लगी कैसी? बढ़िया लग रही है यार। तुम्हारे यार एक्सप्रेशन ने बता दिया तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। ना ना ना, ऐसा नहीं है, वो भी अपने घर में ही है गाड़ी। अच्छा, एक ही पास खड़ी रहती है दोनों, जब मर्जी उसे ले जाओ इसे ले जाओ, कभी जब उसे ले जाते हैं इसे ले जाते हैं, कॉलेज वगैरह भी, ऐसी कोई बात नहीं है तो घर में, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि अपने घर में आई है ना। हाँ, ये चीज है। चलो ये भी है ना कि दो जनरेशन हो गई है, दो जनरेशन दोनों अलग अलग हो गई है। बिल्कुल भाई, ये बताओ मैंने उस गाड़ी का रिव्यू किया था अभी जी, उसमें 18 इंच चले थे, इसमें कितने डले हुए हैं? पहले इसमें 17 इंच थे, आपने कहा था कि अपग्रेड कराओ। हाँ। मैंने अपग्रेड करा लिया, 18 इंच लगवा ली, सेम वही डिजाइन, कंपनी चेंज हुई है। कितने के डले हैं ये भैया? उन्हें रिटर्न करने के बाद मैंने उन्हें, छोड़ो इसका प्राइस बताओ आप, ये वही 67 के अराउंड हो गए। 67 के, जिसमें टायर भी इंक्लूड है? इंक्लूड है। और टायर का प्रोफाइल क्या है पूरी? ये आपका है 225/40R18। अच्छा जी, प्रोफाइल 40 है इसकी। भाई वो जो स्विफ्ट थी ना, मैंने उस स्विफ्ट की इसलिए बात करी है क्योंकि मैंने उसका एक एक्सपीरियंस अभी शेयर किया है, मतलब अभी वीडियो बना खत्म करी है हमने उसका, वो भाई माइलेज बता रहे 9 समथिंग आ रहा है, मतलब 10 भी नहीं पकड़ रही। अभी जैसे भैया की गाड़ी अभी नई है, अभी जब उसकी मेजर सर्विस हो जाएगी ना, वो वाली ऑयल चेंज वाली, तो एवरेज वो बढ़िया पकड़ लेगी, 13-14 का एवरेज निकाल लेगी आराम से, नॉर्मल 18 इंच पे बहुत प्यार से निकालेगी। मेरा भी दे रही है अभी 13-14 निकाल लिया, पहले दे रही थी 9-10 ऐसे दिखा रही थी, अब आ गई है 13-14 पा गई है। चलो फिर तो सही है यार, अगर माइलेज बढ़ जाएगा है ना। बाकी एक दिक्कत ये भी है ना, हम लोकल में चलाते रहते हैं, लोकल में कहाँ एवरेज देगी, लॉन्ग रूट पे हाईवे पे रोज अप डाउन रनिंग होती रहेगी, तो ये चीज रहेगी। जब मैं से अभी बीच में नेपाल गई थी, मैंने नेपाल गई थी उसी 17 इंच अलॉय में गई थी जब इसने निकाला था 21 का एवरेज।
क्या बात कर रहे हो, तो कंपनी सही क्लेम करती है 24-25 का। हाँ, मतलब हाईवे पे तो अच्छा निकाल देगी, बढ़िया एक नंबर भाई। इन एलॉयज के बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट समझ में आए इनके, क्योंकि इसमें आते कितने 15 इंच आपने अपग्रेड करा दिए, तो क्या नेगेटिव पॉइंट समझ में आए इनके? नेगेटिव तो भैया है ही, देखो एवरेज में भी गड्ढे वड्ढे मारती भी है, मगर सब शौक देखने, फेंडर मैंने कटवाया नहीं, वरना फिर कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं अड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोकल में चलानी है, बढ़िया अपना। यार लाइट में कुछ चेंजेस कराए हैं या वही है? नहीं लाइट वही है, लाइट वही है। VXI में ऐसी आती है? नहीं नहीं, ये तो मतलब पहले वाली वीडियो में जो थे वही है, वैसे इसमें वही आती है, नॉर्मल लाइट आती है। तो ये ZXI वाली है ना? ZXI वाली है, टॉप मॉडल वाली। ओके, और ये वाली कितने में पड़ी थी आपको? ये लाइट ऐसी पड़ी थी, लाइट नहीं पूरी गाड़ी, पूरी गाड़ी VXI 743 का अराउंड पड़ी। 743 यार, LXI कितने में बताई थी आपने अपनी? 7 लाख भाई। LXI वेरिएंट अब नई स्विफ्ट का 720 का आ रहा है, इतनी महंगी कर दी स्विफ्ट अब देखो। और महंगी मतलब कंपनी प्राइस बढ़ा रही है, माल घटा रही है। जैसे जैसे सिलेंडर, 3 सिलेंडर वाली कर दी, इसमें 4 सिलेंडर है। हाँ बिल्कुल, बस वही चीज। नई वाली चलाई है स्विफ्ट आपने? यार रोज ही चलाते हैं एक तरीके तो ये बताओ, चलो आप पुरानी भी चला रहे हो। बाकी एक चीज कहूंगा, फील उसमें आता है नई वाली में। ऐसा क्यों? वो कम्फर्ट सी लगती है जरा एकदम से, ये थोड़ी मतलब सेम सी है, मगर उसमें फील जैसे फील आती है ना कि किसी चीज में बैठे हैं, वो चीज आती है उसमें। अच्छा जी भैया, मतलब मानते हो थोड़ा सा मजा तो है उसमें? मजा है उसमें, मगर क्या करें, अपनी कभी तो बुरी नहीं कह सकते। भाई मुझे ये बताओ, जैसे इंजन इसमें 1.2 लीटर के सीरीज का आता है जी, 4 सिलेंडर जी, नई वाली में आता है 1.2 लीटर जेड सीरीज का 3 सिलेंडर जी। तो मुझे ये बताओ, आप दोनों चला रहे हो, क्या डिफरेंस लगा इंजन में दोनों में? डिफरेंस उसमें पिकअप नहीं है। अच्छा, जैसे ऊपर से उसमें भी एलॉय लग रहे हैं, मतलब मैंने एलॉय वाली चलाई है, उसमें भी 18 इंच लग रहे हैं, मगर इसके मुकाबले उसमें पिकअप नहीं है। मैं पंजा दबाती पहले गियर में एकदम से जाती है मेरी सोती हुई, वो बिल्कुल मतलब धीरे धीरे पिकअप पकड़ती है। अच्छी चीज है। और कुछ इंजन नॉइज वगैरह भी दिखी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होगा मगर मैंने इतना नोटिस नहीं किया। हम तो गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले सिस्टम ही बजाते हैं, फिर हमें गाड़ी का कहाँ कुछ लेना देना गाने बजा के। ये बात भी सही है यार। भाई पीछे की लाइट बोली थी मैंने अनुराग भाई उस टाइम, लाइट भैया इसलिए नहीं चेंज करवाई क्योंकि मुझे रेड उसमें मिल नहीं रही थी, ब्लैक स्मोक में मिल रही थी, तो मैंने कहा भैया अभी रुक जाओ फिर इसे बाद में कराएंगे। कि पीछे से ही थोड़ी सी लग रही है कि स्टॉक है गाड़ी जी। भाई पीछे जरा एक बार डिक्की इसकी ओपन करना, बूट स्पेस चेक करें, और बूट स्पेस तो क्या ही रख रखा होगा तुमने जब सिस्टम लगवा रखा है तो। ओके, तो भाई ये भाई ने लगवा रखी है इन्फिनिटी की पेटी, पानियर के स्पीकर्स। अब मुझे ये बता दो सिस्टम में क्या क्या अपग्रेडेशन करा रखी है भैया? पहले कंपोनेंट्स थे MTX ऑडियो के, अब मैंने मिड रेंज लगवाई है डेफ बाउंस की। ओके, ये वो वाला सीन है ना कि दूर तक चले जाओ आवाज आएगी? बिल्कुल, आप चले जाओ 200 मीटर तक तो ऐसी आवाज आएगी कहीं डीजे ही बज रहा है। भाई इस गाड़ी की रील जरूर चेक करना, मैं एक बनाने वाला हूँ और पहुंच चुकी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत प्यारी सी रील बनी हुई है बहुत अच्छी म्यूजिक सिस्टम के साथ। बाकी सिस्टम तो मैं यहाँ भी चेक कराने वाला हूँ इसका, तो एक बार सिस्टम चेक करो गाड़ी का कैसा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। भाई कितने का लगा हुआ होगा? भैया पहले मेरे ऐसी थे 61,000 रुपए खर्च हुए थे पहले, अब इसमें 9,000 रुपए और इंक्लूड हो गए हैं, वो मिड रेंज मतलब 75,000 के आसपास। 75,000 के आसपास भैया, सिस्टम का तो कोई एंड नहीं है, डैम्पिंग कराई है मैंने भाई 75 का, वो सिस्टम का एंड तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो मानना ही पड़ेगा जी। चलो यार कर दो बंद। तो यार अनुराग भाई एक बार अंदर भी चलते हैं गाड़ी के, थोड़ा सा सीन देख लेते हैं अंदर से, क्या क्या काम करा रखा है क्या नहीं करा रखा आपने। बाकी सामने देख रहे हो ये डेफ बाउंस का मतलब कि सिस्टम अच्छा खासा लगा हुआ है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। भाई अंदर से कुछ ज्यादा खास नहीं करा रखा, क्या बात है? अंदर भैया अंदर क्या करवाएंगे खास, आप बताओ क्या करवाएंगे? बहुत कुछ चाहिए अंदर तो हमें बैठना है। हाँ ये बात भी सही है यार, बैठना तो तुम्हें अंदर अंदर। बाकी स्टीयरिंग हमारा है ही बढ़िया, मीटर है ही, हमारी स्क्रीन है ही। अपने राम मंदिर लगवा रखे हैं मैंने, राम मंदिर। अरे यार ये चीज तो मैंने पहले भी देखी थी, जय श्री राम। और बताओ और क्या चाहिए गाड़ी में? सीट कवर है और अंदर ये है कि वो चीजें नहीं करवाई मैंने जो मतलब एक्सपेंसिव दिखती है। एक्सपेंसिव चीजें नहीं कराई नॉर्मली अपना, अंदर से बस एम्बिएंट लाइट की कमी रह रही है भाई। ये है कि बाहर से लोगों को दिखे, लोगों को बाहर से दिखे कि हमारी गाड़ी जा रही है बस, और दिल खुश हो जाता है जब पब्लिक मुड़ मुड़ के देखती है ना कि हमारी गाड़ी जा रही है। बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं सीसा देखता रहता हूँ वहां से, सिस्टम मस्ता जाता है, छोटे छोटे बच्चे नाचने लगते हैं, मैंने कहा अच्छा ठीक है। यही रीजन तो नहीं था मीटर वाला VXI लेने का? हाँ यही मीटर का था और इसका था, ये स्टीयरिंग का, बाकी अलग से मैंने करवाया नहीं। और बेस मॉडल में सबसे जो मेरी वाली स्विफ्ट है उसमें सबसे बुरी मुझे लगती थी बेस मॉडल में, सीट चिपकी हुई थी वो। अच्छा, यही था अपना रीजन की ये चीज ना ली जाए।
चलो भाई एक बार आ जाओ भाई बाहर, अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। यार अनुराग भाई एक क्वेश्चन रह गया मेरा जो मैं स्टार्टिंग में ही करता हूँ कि जब आपने गाड़ी प्लान करी थी तो कौन कौन सी गाड़ियाँ लिस्ट में रखी थी? भैया गाड़ी मुझे पसंद थी उस टाइम, जो ये वाली i20 चल रही है उससे पहले वाली i20 पसंद थी। अच्छा एस्टा वेस्टा जो आती थी, मैग्ना स्पोर्ट्स, वो फिर वो रही नहीं, फिर ये था मन स्विफ्ट और कोई गाड़ी नहीं, और कोई गाड़ी नहीं अपने स्विफ्ट, मतलब स्विफ्ट पे ही था, मगर ये था मेरा व्हाइट और ब्लैक में था, वो रेड पता नहीं कैसे आ गई, मगर आ गई, बहुत प्यारी है, ग्रुप में सबसे अलग है, हर कोई गाड़ी नोटिस करता है। चलो अब वो भाई वो चीज ज्यादा मैंने वो करवाई नहीं, बक्सा जी वो किट वगैरह जो लगवाते हैं उससे फिर यह गाड़ी का वही हो जाता है कि वह खटा, मतलब फिटिंग अगर बढ़िया होगी तो ठीक है, बाकी पीछे से तो वैसा ही लुक आएगा जैसे खटारी सी लगती है, आगे का तो बढ़िया भी लगा है बिल्कुल। हाँ वो किट तो अच्छी लगती है, आगे फ्रंट से अच्छी लगती है, पीछे से नहीं लगती इतनी। चलो भाई यार अनुराग भाई मुझे बताओ, जैसे गाड़ियों पॉजिटिव्स होते हैं तो ऑलमोस्ट नेगेटिव्स भी होते हैं, और आपने तो 17-18 हज़ार चला ली, तो क्या नेगेटिव पॉइंट समझ में आए इस गाड़ी के? ये बाहर से चीज लगवाएंगे तो एवरेज में दिक्कत तो होगी, एवरेज में गड्ढे वड्ढे में बहुत आराम से निकालनी पड़ेगी, फिर हम उस एक्सपीरियंस नहीं चला पाते जो कंपनी हमें वो देती है। अच्छा देती है तो फिर तो हम नेगेटिव कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि कंपनी तो सारी चीज दे ही रही है, ये चीजें तो हम नहीं करी है तो गलती हमारी है तो हम क्यों। अच्छा वैसे कोई नेगेटिव नहीं है गाड़ी में? गाड़ी में कोई नेगेटिव नहीं है, एसी वेसी स्पीड वगैरह सारी चीजें बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम। चलो भाई आउट ऑफ 10 इस गाड़ी को रेटिंग कर दो। 10 बिल्कुल 10 10 और नई वाली को कितनी रेटिंग दोगे जो आई है? वैसे भैया थोड़े कम दूंगा। कम दोगे? चलो थैंक यू अनुराग भाई अपना टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये थे भाई अपने साथ अनुराग भाई जिन्होंने अपनी VXI वेरिएंट, एक साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल 2 महीने के आसपास, पहले भी इसका एक शूट किया था लेकिन दोबारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई ने 18 से 20 हज़ार के आसपास चला लिया, तो मुझे बताना था कि भाई क्या एक्सपीरियंस किया है इन्होंने इस गाड़ी के साथ, और इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन भी रखे, जैसे कि आपने सिस्टम सुना कितना बढ़िया लगा हुआ है, एलॉयज हो गए हैं, बाकी और भी बहुत सारे तमाम काम है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बाकी चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।